Bismillahirrahmanirrahim and welcome to my YouTube channel Learning World with Maria Elias. Hope you are doing great, students. If you're hearing my voice for the first time, hi, I'm Maria Elias. Sorry for the voice because I'm having a cold flu. So, अभी जो है मैं डिस्कस करने जा रही हूँ आज का जो वीडियो का टॉपिक है आपने टाइटल से देख लिया होगा आप लोगों का जो है डिस्कस करने जा रही हूँ कि फाइनल टर्म में कौन कौन सा सिलेबस जो है इकोनॉमिक्स का शामिल होगा. तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं इको 404 का कि इसमें कौन कौन से लेक्चर इंक्लूड होंगे. यहाँ पे आपका अनाउंसमेंट में बताई गई है कि इट इज़ इन्फॉर्म डेट फाइनल टर्म सिलेबस इंक्लूड लेसन 18 से लेकर 21 तक, फिर उसके बाद 25 से लेकर 28 तक आप लोगों के लेसन इंक्लूड होंगे, उसके बाद 31 से लेकर 33 तक, एंड फिर आपके जो लेसन है 40 से लेकर 45 तक क्या होगा इंक्लूड होगा. सो अभी हम जो है नेक्स्ट चेकआउट करते हैं. नेक्स्ट आपके पास आ जाता है 402 में आपके पास सिलेबस कौन कौन सा, ठीक है. अनाउंसमेंट में चेक कर लेते हैं हम. सॉरी ये हमारा इको का नहीं है, ये किसी और का सॉरी ये इको का नहीं था. यहाँ पे हम टाइप कर लेते हैं ECO इकोनॉमिक्स 402 का है यहाँ पे. चेकआउट हम करते हैं जी नेक्स्ट. सो ये भी नहीं है. नेक्स्ट अनाउंसमेंट चेक करें. सो देयर इज़ अदर नेक्स्ट फाइनल टर्म सिलेबस आपके पास आ गया जी. 21 से लेकर 26 तक आप लोगों के लेसन इंक्लूड है लेसन, एंड देन 30 से लेकर 35 तक, फिर उसके बाद 39 से लेकर 43 का टोटल आपके पास 17 लेक्चर है जो कि इंक्लूड है 402 के इकोनॉमिक्स के, ठीक है. इसी तरह 401 के भी मेरे बकायदा पूरी वीडियो बनाई हुई है कि कौन कौन से इंक्लूड है. इवन के वहाँ पे मेरे टॉपिक भी आप लोगों को हैंड आउट से बताए हुए कि कौन कौन से ज़्यादा इंपॉर्टेंट फाइनल टर्म के लिहाज से. सो ये सेम इको 402 और इको 403 इको 404 का भी इसी तरह वीडियो मैं बनाऊँगी. डोंट फॉरगेट टू वॉच ताकि आप लोग मज़ीद इंफॉर्मेटिव इंफॉर्मेशन इकट्ठी करते रहें एंड यूज़ टू होते रहे. और डोंट फॉरगेट आप अपना अनाउंसमेंट जरूर चेक कीजिएगा फाइनल टर्म के हवाले से जितनी बाकी आपके कोर्सेज रह गए हैं. थैंक यू सो मच एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल लर्निंग वर्ल्ड विद मारिया इलियास. स्टे ब्लेस्ड.